हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तोफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्ष्य स्टूडियोज़। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम फोटोशॉप में बिल्कुल आसानी से क्लोथ्स के ऊपर मतलब कपड़ों के ऊपर पैटर्न्स ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे तीन तरह के पैटर्न्स ऐड करके देखेंगे आज। तो सबसे पहले तो हम रेडीमेड पैटर्न लेंगे जो कि ऑलरेडी मतलब तैयार हैं। उसके बाद हम पार्शली क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा वर्क करके एक पैटर्न क्रिएट करेंगे, उसको भी कपड़ों के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। और जो तीसरा पैटर्न है वो पूरी तरीके से नया हम क्रिएट करेंगे और उसको भी क्लोथ्स के ऊपर अप्लाई करके हम देखेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि जो पैटर्न्स हम ऐड करेंगे कपड़ों के ऊपर वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, मतलब हम एक तरह से मॉकअप्स क्रिएट करेंगे, ये बिल्कुल यूजफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी शर्ट का फोटो सिलेक्ट करके लिया है। यहाँ पे ये मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो इसको मैं ये माइनस कर लेता हूँ ऑल्ट प्रेस करके। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्शन मैंने कर लिया है। तो इसको डुप्लीकेट करने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल जे या कमांड जे आप प्रेस कर सकते हो, तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद जैसे मैंने पहले बोला कि रेडीमेड पैटर्न हम देखेंगे, तो ये फ्लोरल पैटर्न मैंने यहाँ पे लिया है रेडीमेड, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। तो ड्रैग करने के बाद नहीं हुआ, वापस एक बार देखिए ड्रैग कर लिया। तो जितना शर्ट का साइज है उससे बड़ी साइज इसकी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर ये आना चाहिए पूरा। इसको हल्का सा मैं हटा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें सीधा करना है क्लिपिंग मास्क। तो क्लिपिंग मास्क हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो राइट क्लिक करके यहाँ से हम क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, या सिंपली ऑल्ट की प्रेस करके, अगर आप मैक यूज़ करें तो ऑप्शन की प्रेस करके दोनों लेयर्स के बीच में ऐसा एरो आएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे ये क्लिप हो जाएगा, क्लिपिंग मास्क क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल फ्लैट लग रहा है, ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मोड चेंज करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन जो होते हैं ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये काफ़ी रियलिस्टिक एज कम्पेयर टू जो पहले था उससे काफ़ी रियलिस्टिक ये लग रहा है। तो इसको अगर और रियलिस्टिक करना है तो यहाँ पे लेयर वन पे भी हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये करेंगे, अप्लाई करेंगे ब्लेंडिंग मोड। और क्योंकि हमने ये सेपरेट लेयर पे इसको क्रिएट किया है जो पैटर्न हमने अप्लाई किया है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, मतलब इसकी साइज चेंज कर सकते हैं या इसको रोटेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट लेयर पे है। तो ये ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि फिर भी इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स हमें चाहिए, तो इसको जो डुप्लीकेट लेयर है जो हमने पहले क्रिएट किया था उसको वापस कंट्रोल जे या कमांड जे करके वापस इसकी एक कॉपी ले लीजिएगा और इसको ऊपर रख दीजिएगा सबसे। इसके बाद वापस हमें क्लिपिंग मास्क करना पड़ेगा और इसको जो सबसे ऊपर वाला है, तो ये बहुत ही अगर ज़्यादा डार्क आपको लग रहा है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको डार्कन कर सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, तो इसको आप रोटेट वगैरह कर सकते हो। ये देखिए लेयर टू पे क्लिक करके इसको रोटेट वगैरह जैसे आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो फोल्ड्स के अंदर बिल्कुल यहाँ पे फोल्ड्स दिख रहे हैं डिज़ाइन में, तो रियलिस्टिक लग रहा है। फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ कर सकते हो। देखिए एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे जाके या तो आप लेवल्स का यूज़ कीजिए या कर्व्स का यूज़ कीजिए, तो मैं कर्व्स का यूज़ करता हूँ। और ये सबसे ऊपर रखिएगा और इसमें भी आपको क्लिपिंग मास्क करना है। अगर आप ये क्लिपिंग मास्क नहीं करोगे तो जो लास्ट वाला जो ये शर्ट का लेयर है वो भी यहाँ पे ब्राइट होगा, देखिए कुछ इस तरह से जो बैकग्राउंड होगा। तो क्लिपिंग मास्क करना यहाँ पे अच्छा होगा। तो इसके बाद हम इसको जैसे हमें चाहिए वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये विदाउट एडजस्टमेंट लेयर और ये विद एडजस्टमेंट लेयर है, ये विद एडजस्टमेंट है और ये विदाउट। तो अगर आपको लगता है कि रियलिस्टिक नहीं लग रहा है तो आप अप्लाई कीजिएगा, अगर आप सेटिस्फाइड हो इस रिजल्ट से तो ये एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने क्या किया, बिल्कुल जो रेडीमेड एक पैटर्न था उसको अप्लाई किया। तो अगर हमें और एक थोड़ा सा पैटर्न क्रिएट करके उसको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए इसको डिलीट कर दिया, एक जो डुप्लीकेट लेयर था उसको मैंने रखा। और यहाँ पे देखिए ये एक बटरफ्लाई का यहाँ पे एक फोटो था, ये बिल्कुल मैंने छोटा कर दिया इसको, 150 पिक्सल्स इसका जो लेंथ है वो रखा है मैंने, तो बिल्कुल छोटा हो गया। तो इसको सबसे पहले तो हमें पैटर्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसको हम एडिट में जाएंगे और डिफाइन पैटर्न करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो जैसे मैं बटरफ्लाई इसको नाम देता हूँ, ऑलरेडी मैंने करके रखा है, वापस आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने डिफाइन में जाके इसको पैटर्न क्रिएट कर दिया। इसके बाद मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे और एक ब्लैंक लेयर हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू लेयर से, ये देखिए यहाँ से ब्लैंक लेयर क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हम सीधे जाएंगे पेंट बकेट टूल में
और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पैटर्न ऑप्शन, और यहाँ पे देखिए ये बटरफ्लाई जो हमने क्रिएट किया है उसको लेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ब्लैंक जो लेयर है उस पर क्लिक करेंगे तो ये बटरफ्लाई बन जाएगा, और इसको वापस हम क्लिपिंग मास्क अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, देखिए तो ये क्लिपिंग मास्क बन गया। और क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है तो मल्टीप्लाई करने पर ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगेगा। और एक बात, जैसे मैंने पहले बोला क्योंकि हमने ये सेपरेट लेयर पे अप्लाई किया तो इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म मतलब इसके साइज भी रीसाइज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं जितने आपको चाहिए। ये एक बेनिफिट है ये सेपरेट लेयर पे क्रिएट करने का। तो देखिए हल्का सा ये रियलिस्टिक लग रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, ये भी हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोल्डिंग वगैरह। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला अगर आपको थोड़ा और चाहिए तो इसको कंट्रोल जे करके यहाँ पे इसको वापस देखिए क्लिपिंग मास्क दोनों को, और यहाँ पे ये डार्कन रख देता हूँ, और अगर आपको ज़्यादा डार्क लग रहा है तो ये कुछ इस तरह से हम ओपेसिटी इसकी चेंज कर सकते हो। फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो जैसे मैंने बोला एडजस्टमेंट लेयर आप लीजिए। इस बार मैं लेवल्स दिखाता हूँ आपको, देखिए लेवल्स डार्क वगैरह आप करके देख सकते हो, तो अगर आप सेटिस्फाइड हो तो रुक सकते हो, नहीं तो वापस थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज करके आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमने पार्शियली वर्क किया, पहले हमने पैटर्न क्रिएट किया उसके बाद में हमने इसको अप्लाई किया। जो तीसरा अब हम देखेंगे, इसको वापस मैं डिलीट कर लेता हूँ, तीनों को डिलीट कर देता हूँ। जो थर्ड हम पैटर्न देखेंगे वो बिल्कुल हम नया क्रिएट करेंगे, तो हम जाएंगे सीधा फाइल न्यू में, और यहाँ पे मैं न्यू फाइल की डायमेंशंस यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रखा है 100 pixels by 100 pixels। और जब भी हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं याद रखिएगा सबसे पहले हमें यूनिट चूज करना है, उसके बाद डायमेंशंस यहाँ पे देने, नहीं तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं पहले यहाँ पे डायमेंशंस देते हैं उसके बाद यूनिट चेंज कर दें तो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पहले पिक्सल्स रखा और 100 by 100 हमने पिक्सल्स यहाँ पे, रेजोल्यूशन 300 और बैकग्राउंड जो है उसको ट्रांसपेरेंट रखिए, इसको क्रिएट कीजिएगा। तो ये बिल्कुल छोटा बन गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैं और एक लेयर क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि मुझे एक सिंपल डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पे डॉट कर देता हूँ, देखिए शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो इतनी साइज़ मुझे अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे सपोज़ मुझे यहाँ पे चाहिए लेवेंडर कलर चाहिए तो ये, और यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस किया तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और ये सेम मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, और इसको वापस ऑल्ट से मैं कॉपी कर रहा हूँ ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक से, और ये देखिए स्ट्रेट लाइन में है, और इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके थंबनेल पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मुझे थोड़ा सा अलग कलर चाहिए तो सपोज़ मुझे ये येलो कलर चाहिए तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑल्ट बैक स्पेस या ऑप्शन बैक स्पेस कंट्रोल डी डी सिलेक्ट के लिए, और ऑल्ट से वापस कॉपी, और देखिए ये सीधे लाइन में हो इसकी भी लाइन में हो, दोनों के लाइन में आ गया। और इनका मैं अभी पैटर्न क्रिएट करूँगा कैसे, एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न, तो यहाँ पे डॉट्स करके नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो ये पैटर्न क्रिएट हो गया। वापस यहाँ पे जाना है, ब्लैंक लेयर क्रिएट करना है, और वापस पेंट बकेट टूल से ये देखिए ये लास्ट वाला हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे इसको अप्लाई करना है कुछ इस तरह से। अगर आपको ये साइज चेंज करना है तो साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं यही साइज रख देता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करना पड़ेगा तो ऑल्ट ये ऑप्शन करके ये देखिए क्लिपिंग मास्क बन गया। अगर आपको इसको रोटेट करना है तो रोटेट आप कर सकते हो, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये देखिए रियलिस्टिक ऑलरेडी लग रहा है। और अगर चाहिए तो इसको कंट्रोल जे किया जैसे कि मैंने पहले किया था, ये दोनों को क्लिपिंग मास्क, ये बहुत अच्छा यहाँ पे इफेक्ट हमें रियलिस्टिक एकदम इफेक्ट आ गया। अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए तो यहाँ पे बड़ा आप ले सकते हो, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो जो डॉट्स हैं वो बड़े हो गए यहाँ पे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो ये ओपेसिटी के साथ प्ले कर सकते हो। और जैसे मैंने पहले आपको दिखाया अगर आप चाहें तो कर्व्स या लेवल्स अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, इसको मैं क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ, और ये देखिए आप बिल्कुल आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो फोल्ड्स वगैरह बहुत ही अच्छे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देखिए ये अगर हमें बिफोर आफ्टर देखना है तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कीजिएगा, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, तो बिल्कुल आसानी से हमने ये रियलिस्टिक पैटर्न्स जिसको हम मॉकअप भी कह सकते हैं मॉकअप हमने क्रिएट किया। ये बहुत ही यूज़फुल है ख़ास तौर पे जो फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे अगर हम करके देखेंगे तो ज़्यादा हमें अच्छी तरीके से आइडिया आएगी कि ये कैसे लग रहा है,
तो डिज़ाइन पहले क्रिएट करके मॉकअप क्रिएट करके देखना है। तो ये हमने देखा कि पैटर्न्स कैसे बिल्कुल आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं क्लोथ्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमने दो क्या किए, जो रेडीमेड थे उनको अप्लाई किया, और तीसरा हमने क्रिएट किया, नया क्रिएट किया। तो यहाँ पे तो मैंने एक सिंपल क्रिएट किया है एक डॉट्स का। तो आप यहाँ पे अलग अलग शेप्स ट्राई करके देख सकते हो, अलग अलग शेप्स या रेडीमेड शेप्स जो इंटरनेट पे मिलते हैं उनको भी आप ट्राई करके देख सकते हो, और कलर कॉम्बिनेशन भी आप अलग अलग यहाँ पे चूज करके देख सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप अप्लाई ज़रूर करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके रिजल्ट्स कैसे आए जो आपने ऐड किया पैटर्न वो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो अगर यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।